हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको एक एक्सटेंशन बोर्ड बना के दिखाने वाला हूँ। तो इस एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए गाइस मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक का बोर्ड ले लिया है इस एक्सटेंशन बोर्ड को बनाने के लिए, जो कि आपको बिजली फिटिंग के दुकानों में मिल जाएगा गाइस 2500 रुपये में। और आपको इसके अंदर से आपको 4 स्क्रू भी देखने मिलेगा, जो कि आप इस चारों कॉर्नर देख रहे हो। इस कॉर्नर में हमें इस स्क्रू को लगाना है, इस प्लास्टिक के अंदर स्क्रू देख रहे हो, चारों कॉर्नर के अंदर गाइस हमें लगाना होगा। तो मैं इसे पहले क्या करता हूँ, बॉक्स को बंद करके साइड में बॉक्स को रखता हूँ। और तो आपको इस तरह का उसके बाद 2 सॉकेट का जरूरत पड़ेगा, 2 सॉकेट आपको ले लेना है, 5 पिन सॉकेट ले लेना है 2 गाइज आपको। और सॉकेट के बाद आपको 2 स्विच का मदद पड़ेगा, 2 स्विच भी मैंने ले लिया है। गाइस 2 स्विच और 2 सॉकेट लेने के बाद चलिए मैं क्या करते हैं, एक एक करके बोर्ड में लगाना स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड में पहले मैं सॉकेट लगाऊंगा। तो सॉकेट लगाने के लिए आपको यहाँ पे 2 स्क्रू देखने को मिल रहा होगा। ये दोनों स्क्रू को आपको क्या करना है, इस टेस्टर से खोलना पड़ेगा। तो टेस्टर से खोलने के बाद टेस्टर से आपको इस तरह से घुमाना है, हमारा खुल जाएगा धीरे धीरे। टेस्टर से खोलने के बाद गाइस देखोगे पीछे आपको एक नट जैसा देखने को मिलेगा, तो इसे भी आपको हटा लेना है। आराम से आपकी उंगली से ऐसे घुमाना है, आपको हट जाएगा। दोनों साइड है गाइस, दोनों साइड को आपको अच्छे से हटाना है और फिर हमें बोर्ड के अंदर एक्सटेंशन बोर्ड को लगाना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड पहले अच्छे से हटा देता हूँ। इस तरह से आपको भी दोनों साइड को अच्छे से हटाना है। गाइस इसको स्क्रू खोलने के बाद स्क्रू को क्या करते हैं, साइड में रखते हैं और सॉकेट को बोर्ड में लगाना स्टार्ट करते हैं। ये सॉकेट जो देख रहे हैं हमारा, चलिए हम इसे बोर्ड में पहले लगा लेते हैं। बोर्ड में आपको इस तरह से लगा लेना है गाइस, सॉकेट को अंदर की तरफ थोड़ा सा प्रेस करना है, हमारा लग जाएगा अच्छे से। सॉकेट हमारा लग चुका है गाइस, देख लो। अब मैं वापस इसके अंदर नट को, स्क्रू था गाइस, मैं इसे वापस स्क्रू को डाल के वापस जिस तरह से मैंने निकाला था स्क्रू को, इसी तरह से आपको वापस कसना है। तो मैं पहले लगा के कस ले रहा हूँ। गाइस पहले वाले सॉकेट को लगाने के बाद चलिए क्या करते हैं, दूसरे सॉकेट को भी लगा लेते हैं और दोनों स्विच को भी लगा लेते हैं। तो दोनों स्विच लगाने के बाद गाइस तब भी आप एक जगह को खाली देख रहे होंगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं गाइस, मैंने मार्केट से जब एक्सटेंशन बोर्ड लेने गया था तो मुझे 2 सॉकेट और 2 स्विच वाला एक्सटेंशन बोर्ड नहीं मिला गाइस। तो मुझे मजबूरी में 3 स्विच और 2 सॉकेट वाला बोर्ड लेना पड़ गया। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेप मार दूँगा, इस तरफ देख रहे हो टेपिंग कर दूँगा। इधर पर कोई दिक्कत तो है नहीं गाइस, देख सकते हो मैंने यहाँ से सब चारों को कस लिया आपस में। और मैं बीच में क्या करूँगा, टेप लगा दूँगा। तो टेप लगाने के लिए ब्लैक कलर टेप जो होता है, आपको इस तरह का भी टेप ले लेना। तो इस तरह का टेप मैंने ले लिया है। ये टेप लेने के बाद मैं कैंची से काट के बीच में टेप लगा दूँगा कि हमारा खाली जगह गाइस अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर टेप लगा देता हूँ। तो इस तरह से आपको टेप लगा लेना है अगर आपके पास भी 3 स्विच वाला बोर्ड है। कोशिश करना गाइस कि आपको 2 स्विच और 2 सॉकेट वाला ही बोर्ड मिले। मुझे मार्केट में नहीं मिला गाइस, तो मुझे मजबूरी में लेना पड़ गया गाइस। चलिए गाइस टेपिंग वेपिंग हो गया गाइस, तो चलिए अब हम फटाफट इसके कनेक्शन पे आते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हमें पहले किसी वायर का लगेगा, तो मैं इस तरह का मोटा वायर का यूज़ कर ले रहा हूँ। एक फेस के लिए, एक न्यूट्रल के लिए हमें वायर लेना पड़ेगा। तो मैं वायर को क्या करूँगा गाइस, इधर जो देख रहे हो इधर से हमें वायर को निकालना पड़ेगा। तो इधर पर सिंपल सा गाइस आपको टेस्टर से क्या करना है, टेस्टर से गाइस या कांटे की मदद से आपको यहाँ पर थोड़ा सा चोट देना है, हमारा हो जाएगा होल छोटा सा, देख सकते हो मैंने कैंची से कर दिया गाइस। इसे कैची की मदद से इस तरह से आपको होल करने के बाद, चलिए इसके अंदर से पहले आपको 2 वायर निकाल लेना है। तो मैं इसके अंदर से पहले 2 वायर को निकाल ले रहा हूँ। इस तरह से आपको 2 वायर को अच्छे से निकाल लेना है गाइस। गाइस 2 वायर को इसके अंदर से होल में से अच्छे से निकालने के बाद आपको अच्छे से 2 वायर को थोड़ा लंबा कर लेना है टान के। अब हमारा गाइस एक फेस का वायर आ गया, एक न्यूट्रल का वायर आ गया। तो अब चलिए हम लोग फटाफट वायरिंग करते हैं और देखते हैं वायरिंग। तो इसके अंदर से आप जो फेस का वायर देख रहे हो, इस फेस में पहले आपको क्या करना है, न्यूट्रल का वायर लेना है। न्यूट्रल का वायर आप देख रहे होगे सॉकेट में, आपको यहाँ पे एन लिखा हुआ दिख रहा होगा। एन का मतलब होता है गाइस हमारा न्यूट्रल, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो एल लिखा हुआ होगा, मतलब ये हमारा फेस का वायर है जहाँ पे। उसके बाद गाइस मैंने इस तरह का एक एक्स्ट्रा वायर ले लिया है, इसे मैंने न्यूट्रल का वायर लगाऊंगा। न्यूट्रल का येलो वाले वायर में आपको लगा लेना है इस तरह से, एक्स्ट्रा वायर लगा के आपको इस तरह से आपको आपस में मोड़ देना है दोनों को। गाइज आपस में जोड़ने के बाद चलिए क्या करेंगे, न्यूट्रल वाले सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में आपको ये दोनों वायर को दे देना है इस तरह से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रू खोल ले रहा हूँ। पहले स्क्रू खोलने के बाद आपको इसके अंदर डाल के आपको वापस स्क्रू को कसना पड़ेगा। तो मैं पहले इसके अंदर से डाल दे रहा हूँ न्यूट्रल का।
न्यूट्रल का वायर लगाने के बाद क्या करना है, हमारा जो दूसरा वायर है न्यूट्रल का, जिसमें उसको क्या करना है, आपके दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में आपको देना होगा। तो मैं दूसरे वाले सॉकेट को भी क्या कर रहा हूँ, दूसरे सॉकेट में देख सकते हो यहाँ भी हमारा एल लिखा हुआ है, तो मैं इसमें दे दे रहा हूँ दूसरे वाले वायर को न्यूट्रल का। स्क्रू को आपको यहाँ से भी गाइस टेस्टर से खोल लेना है, तो टेस्टर से थोड़ा सा आपको ढीला करने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारा न्यूट्रल का वायर था उसे मैं आपको दूसरे सॉकेट पे वापस मोड़ के थोड़ा सा कि हमारा अच्छे से टाइट हो सके, इसके अंदर मैं दे देता हूँ। अभी वापस आपको स्क्रू से कस लेना है। गाइस हमारा न्यूट्रल का वायरिंग एकदम हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब हम लोग फेस के वायरिंग पे आते हैं। तो फेस के लिए आपको क्या करना है, ये हमारा फेस का वायर देख रहे हो, फेस को आपको क्या करना, पहले आप न्यूट्रल की वायरिंग देख लो, यहाँ से सॉकेट से आया गाइस, सॉकेट से भी दूसरे सॉकेट के अंदर चला गया हमारा न्यूट्रल का वायर। और फेस के वायर में आपको क्या करना है गाइस, दोनों स्विच के आपको नीचे वाले पॉइंट में आपको फेस का वायर देना पड़ेगा। गाइस दोनों स्विच के आपको नीचे वाले पॉइंट में आपको फेस देना होगा। आप चाहे नीचे दे सकते हो, आप चाहो तो ऊपर वाले भी सॉकेट में, ऊपर वाले स्विच में दे सकते हो, आप किसी भी दोनों में से एक वो ऊपर में दे देना चाहे या नीचे में दे देना। तो मैं क्या करता हूँ, वायर को एक्स्ट्रा करना है आपको, इस तरह से एक्स्ट्रा वायर ले लेना है और आपको फेस में इसके वायर में इस तरह से आपको भी इसे भी मोड़ लेना है और स्विच के नीचे वाले पॉइंट में दे के आपको इससे नीचे वाले पॉइंट में दे देना। तो पहले मैं गाइज मैंने फेस का वायर को क्या किया, दोनों स्विच के नीचे में दे दिया, देख सकते हो किस तरह से दिया, यहाँ से हमारा फेस आया और इस स्विच के अंदर नीचे वाले पॉइंट में गया, दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में हमारा चला गया। अब गाइज मैं क्या करूँगा, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में से एक वायर लूँगा जो कि हमारा दो एक्स्ट्रा वायर ले लेना है आपको इस तरह से, और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से लेके आपको सॉकेट के दूसरे वाले जहाँ पे गाइज आपका एल लिखा हुआ होगा उस तरफ गाइज आपको दे देना है। तो मैं यहाँ से भी खोल ले रहा हूँ स्विच के ऊपर वाले पॉइंट को, और जो हमारा एक्स्ट्रा वायर मैंने लिया था उसे मैं इस तरह से आपको एक मुंह है, जो हमारा है वायर का एक मुंह है उसे आपको स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में आपको डाल के आपको टेस्टर से टाइट कर देना है। और डालने के बाद गाइज आपको सॉकेट के दूसरे वाले पॉइंट में आपको उस फेस वाले वायर को डाल देना है। तो मैं पहले वाले पॉइंट को डाल के अच्छे से टाइट कर चुका हूँ। गाइज हमारा बोर्ड में फाइनली फुल पूरा कनेक्शन हो चुका है, देख लो किस तरह से हुआ है कनेक्शन। ये हमारा पहले मैं आपको दिखा दूँ, दो तार आया है गाइज हमारा उधर से बोर्ड के अंदर से आया गाइज दो तार, एक हमारा फेस का तार था, एक हमारा न्यूट्रल का तार था। जो हमारा गाइज न्यूट्रल का तार था उस सॉकेट में गया, सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट से गया और दूसरे एक्स्ट्रा वायर मैंने लगा के दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में डाल दिया। और हमारा जो फेस का वायर है वो हमारा स्विच के नीचे वाले पॉइंट में गया, उधर से एक्स्ट्रा वायर लगा के दूसरे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में मैंने भेज दिया, और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आपको एक एक्स्ट्रा लगा के आपको सॉकेट के मतलब फेस वाले पॉइंट में आपको डाल देना है, और वही दूसरे स्विच के साथ भी ऐसा ही करना है। तो हमारा वायरिंग का काम इतना ही सिंपल सा है गाइस, चलिए हटाइए सब काम, आप फटाफट बोर्ड को बंद करते हैं। बोर्ड को इस तरह से बंद करके जो स्टार स्क्रू आपको मैंने शुरू में दिखाया था इसे आपको वापस उसके ऊपर लगा देना है। तो मैं सब कुछ करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके दबा दो, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है गाइस, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चलिए देख लीजिए किस तरह से हुआ है।
गाइस हमारा बोर्ड बनके एकदम रेडी हो चुका है, एक्सटेंशन बोर्ड बनके हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग पे आते हैं और आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि हमारी काम कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह का एक टेस्टर होता है, टेस्टर ले लिया हूँ और इसके अंदर से दिखा दे रहा हूँ आपको कि इसके अंदर से लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। गाइस बोर्ड का जो मेरा दोनों वायर है गाइस, उसे मैंने 220 वोल्ट DC दे दिया है। जैसे ही गाइस मैं आपको टेस्टर डाल के दिखा दे रहा हूँ कि इसके अंदर से हमारा लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो टेस्टर जैसे ही डालूंगा गाइस, हमारा लाइट जलना चाहिए टेस्टर के अंदर से। तो मैं आपको दिखा दूँ टेस्टर के अंदर से, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको हल्का सा एकदम लाइट जलता हुआ दिख रहा होगा। इस तरफ देख सकते हो गाइस, आपको दिख रहा होगा शायद कैमरे में अच्छे से, मुझे पता नहीं चल रहा है गाइस। आप कमेंट करके बताना कि आपको दिखा था या नहीं दिखा है गाइस। तो देख सकते हो हमारा लाइट दिख रहा है एकदम टेस्टर का अच्छे से, मतलब गाइस हमारा बोर्ड एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो बोर्ड हमारा बनके एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। अब आप लोग अपना काम कर दीजिए यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा देना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया यार लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो पर रखते हैं गाइस 50 लाइक कर देना इस वीडियो पर। पहले बता रहा हूँ गाइस, ये देखो हमारा सिंपल सा एक्सटेंशन बोर्ड बनके रेडी हो चुका है। इसे आप ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड को अगर आप मार्केट से लेने जाओगे गाइस तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसे मैंने सस्ते से बना लिया अपने घर पर, इस तरह से